रोजगार एशिया नेट हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी। जी हां जीतू जी, एशिया नेट हिंदी न्यूज के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल क्योंकि इसलिए क्योंकि एक युवा कार्यकर्ताओं की फौज रहती है आपके पीछे, तो पहला सवाल यही कि आप खेल मंत्री हैं मध्य प्रदेश में पहले, और अब क्या खेल की स्थिति आ गई है? नहीं, हर समय की सरकार ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से काम किया। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश को अब हमने संकल्प ले लिया है कि देश में एशियन गेम्स नेशनल गेम्स में नंबर वन लेके आए। हमने तय कर लिया है कि हमारे बच्चे बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता से यहाँ वातावरण बनाए। माता पिता का मानस ऐसा कैसे बने कि खेल के माध्यम से वो अपने बेटे बेटियों को जीवन में जीवन यापन के साथ साथ देश और परिवार के भविष्य को और सम्मान को बढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की कि मध्य प्रदेश में जब तक आप स्वास्थ्य की कैपेसिटी में स्पोर्ट्स को आम जन से भी जोड़ोगे जी, तब तक खेल कूद के मुख्य लक्ष्य जो आम लोगों को एक खेलों मध्य प्रदेश के भाव से हमने बनाया है, मध्य प्रदेश ओलंपिक हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो सहूलियतें हैं जिसको हम प्रोत्साहन के रूप में प्रोसेस बताते हैं, हमने 1000 गुना से 1500 गुना तक राशि का मुख्यमंत्री जी ने इसमें बढ़ोतरी की है। तो कुल मिलाकर लबोलबाज मध्य प्रदेश देश में नंबर वन आए, इसका हमारी पहल। बिल्कुल, आप जब खेल मंत्री बने थे उसके पहले जंग जाहिर थी कि खेल की स्थिति क्या थी, लेकिन आपके बनने के बाद आपने गोल्डन जिम से टाई अप किया। फिटनेस को लेकर आप हमेशा से ही युवाओं के बीच बात कहते हैं कि फिट रहें तो ही आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो लोकल खेल का जो टैलेंट है वो उसको पहचान मिले, उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? नहीं, जरूर है कि आपका खेल कौन से अपने आप सर्वाइव कर रहा है, किस जगह किस जिले में कौन से खेल के लिए वातावरण है जी। जैसे हमारे आदिवासी अंचल के जितने जिले हैं उसमें लगभग मैं मानता हूँ कि आर्चरी के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, हमारी महिला हॉकी के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, पुरुष हॉकी के लिए बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ स्विमिंग का बहुत अच्छा सेंटर है जी, यहाँ पर शूटिंग का बहुत अच्छा सेंटर है, यहाँ एथलीट का बहुत मैं मानता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा मूल उद्देश्य कि खेल को नंबर वन मध्य प्रदेश को देश में ले जाना है, इस पर संकल्प है। हरियाणा अगर पंजाब की मैं बात करूं तो यहाँ पर लड़कियां भी खेलों के प्रति बहुत ही आगे रहती है, मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए कोई ऐसी योजना? नहीं, हमने तो बेटियों को लेकर बड़ा, हमारे जितनी अकेडमी में बेटियों का स्थान है देश में कहीं भी, हमने अकेडमी में बेटियों को जो जगह दी है, भैया जो उनके लिए चिन्हित किया है कि ये गेम बेटियों के लिए कम्फर्टेबल है, कुश्ती में भी, कबड्डी में भी, हॉकी में भी, और हॉकी में मध्य प्रदेश की बेटियां सबसे ज्यादा देश की टीम में। बिल्कुल, क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में ऐसा बने, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये बात कही थी, उसको लेकर क्या अब उम्मीदें लगा सकते हैं? हमने पिंपरी मॉडल में मध्य प्रदेश का भोपाल की राजधानी में क्रिकेट स्टेडियम जिसको बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान करेगा, ईश्वर करेगा, सरकार पहल कर रही है, जल्दी से अच्छा। सर एक सवाल और, उच्च शिक्षा का विभाग भी आपके पास से, छात्र संघ चुनाव को लेकर अक्सर ये लड़ाई झगड़े ऐसी खबरें भी सुनने आती थी, लेकिन अब वो हो रहा है। पहले होता था कि टॉपर को ही जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता था, क्या अब कांग्रेस पार्टी क्यों इसका निर्णय ले रही है कि क्यों ये छात्र संघ चुनाव? छात्रता बड़ा देश का लोकतंत्र है, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अभी 70 साल की लोकतंत्र की जर्नी में जो अच्छाइयाँ आई वो तो जग जाहिर है, पर बुराइयाँ भी आई। अब उस बुराइयों को दूर करने के लिए बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली कैसे दें, उसके लिए जरूरी है कि एजुकेशन सेंटर उसके महत्वपूर्ण अंग है। तो हम प्रत्यक्ष प्रणाली से बेटे बेटियों को लोकतांत्रिक शिक्षा देना चाहते हैं, और चूंकि एकेडमिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है महाविद्यालय विश्वविद्यालयों का, वो इफेक्ट ना हो और तरीके से अच्छे से बच्चों को लोकतांत्रिक शिक्षा, ये उद्देश्य। चुनाव कराना या नहीं कराना उसके पीछे राजनीति निराजिक है, बच्चों को लोकतांत्रिक शिक्षा। इंदौर का छोटे से गांव के किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी की और मेरी दोनों की इच्छा थी कि हम सार्वजनिक जीवन में लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाए, सेवा करें। जब जब चुनाव दो चाहे पार्षद का है, जिला पंचायत का है, मंडी का है, विधानसभा का है, मुझे पार्टी ने अवसर दिया, मैंने
और जनता ने आशीर्वाद दिया चुन के मैं हर चुनाव आता हूँ जी। मैंने संगठन में काम करने की बात जहाँ कही तो मेरा तीसरा विधानसभा का चुनाव है जी। और संगठन में प्रदेश युवक कांग्रेस का, जिले के युवक कांग्रेस का, NSUI का अध्यक्ष रहते हुए मैंने काम किया। और मैं मानता हूँ इस बात पर कि मुझे पार्टी ने बहुत अवसर दिए अपनी अपने काम के को तराशने की, सेवा करने की। और मैंने खूब कोशिश की कि उस अवसर का मैं जनता को तो अवसर मिला है कि मैं काम करूँ किया। आज मुझे पार्टी ने मंत्री बनाया, आज कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बना है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तो मूल मंत्र है, मूल भाव है, सबसे प्रथम देश है, मध्य प्रदेश समृद्ध बने। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को देश में नंबर वन हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में लेके जाए, इस उद्देश्य को लेकर हम दिन रात काम करते हैं।